Let's start our class 4th subject computer. Previous lecture में हमने आपको chapter 4 explain कर दिया था और chapter 4 का book work and copy work भी write करवा दिया था. आज हम लोग start करेंगे chapter 5 का name है Windows setting. तो आइए देखते हैं what is Windows XP. विंडोज एक्सपी क्या होता है. विंडोज एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर विच टेल द कंप्यूटर व्हाट एंड हाउ टू डू. विंडोज एक्सपी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है और कैसे करना है. इट टेक्स योर इंस्ट्रक्शंस एंड पासिस देम टू द कंप्यूटर टू गेट योर वर्क डन बाई इट. या आपके इंस्ट्रक्शंस को लेता और उन्हें आपके थ्रू दिए गए वर्क को पाने के लिए कंप्यूटर पर सेंड करता है. इन दिस यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर थ्रू डिफरेंट मेन्यूज ऑप्शन. यू कैन ओपन अ प्रोग्राम बाय यूजिंग स्मॉल पिक्चर्स कॉल्ड आइकॉन्स. इसमें आप कंप्यूटर को डिफरेंट मेन्यू ऑप्शन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं. आप आइकॉन जो एक छोट स्मॉल पिक्चर्स होती हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई देती हैं आपको स्क्रीन पे, उन्हें हम लोग आइकॉन्स कहते हैं. और इन आइकॉन्स का यूज करके हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं. एज एवरीथिंग इन दिस रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिक्स पिक्चर्स और मेन्यू, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI. ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को GUI कहते हैं. GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि इसमें सब कुछ ग्राफिक्स पिक्चर्स या मेन्यू के थ्रू ही डिस्प्ले किया जाता है, इसलिए इसे हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज XP. विंडोज XP के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज विच हेल्प अस टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर आर. विंडोज के डिफरेंट कंपोनेंट जो हमें आपस में बातचीत करने में हमारी हेल्प करते हैं, उनमें से फर्स्ट है डेस्कटॉप. दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन विच अपीयर व्हेन द विंडोज XP इज लोडेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. या फर्स्ट स्क्रीन होती है डेस्कटॉप जो होती है, ये फर्स्ट स्क्रीन होती है जब हम लोग जब विंडोज XP कंप्यूटर मेमोरी में लोडेड होता है, तो ये डेस्कटॉप जो होती है वो आपकी फर्स्ट स्क्रीन होती है जो ऐसे दिखाई देती है. देखिए आप फिगर में, ये आपके जो छोटे छोटे स्मॉल फिगर्स दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इन्हें हम लोग आइकॉन्स बोलते हैं. और ये जो एरिया है ये आपका डेस्कटॉप होता है. टॉप बॉटम साइड में आपका स्टार्ट बटन होता है और ये जो ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है आपका टास्क बार होता है. और यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में क्लॉक होता है जो करंट टाइम को यहाँ पे क्या करता है, डिस्प्ले करता है. टर्न योर पेज नंबर 40. नेक्स्ट आइकॉन्स. आइकॉन्स क्या होते हैं, व्हाट इज आइकॉन्स. स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम और एप्लीकेशंस आर नोन एज आइकॉन्स. दिस आइकॉन हेल्प टू क्विकली ओपन दिस प्रोग्राम्स बाय डबल क्लिकिंग देम. इस आइकॉन जो होते हैं वो स्मॉल छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं प्रोग्राम्स या एप्लीकेशन के नाम से जिन्हें हम लोग जानते हैं, और इन पे हम लोग डबल क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को हम लोग जल्दी से ओपन कर सकते हैं, क्विकली ओपन कर सकते हैं. आइकॉन्स की हेल्प से हम लोग किसी भी प्रोग्राम को क्विकली ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट शॉर्टकट. शॉर्टकट इज अ लिंक एनी आइटम ऑन द कंप्यूटर सच एज अ प्रोग्राम फाइल. शॉर्टकट जो होता है वो लिंक होता है जो शॉर्टकट जो होता है वो एनी आइटम का लिंक होता है जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम फाइल फोल्डर और प्रिंटर रिमोट के लोकेशन को डिस्प्ले करता है.
वी जस्ट हैव टू क्लिक द शॉर्टकट। जब हम लोग शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं एंड द एसोसिएटेड आइटम ओपेंस अप, तो जब हम लोग शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं तो इससे एसोसिएटेड आइटम जो होता है वो ओपन हो जाता है। शॉर्टकट शो ऑन द स्क्रीन एज आइकॉन्स, शॉर्टकट जो होता है वो स्क्रीन पे आइकॉन्स के रूप में दिखाई देता है, शो होता है। दे मेक आवर वर्क ईजी एंड सेव आवर टाइम, ये हमारे वर्क को ईजी बनाता है और हमारे टाइम को भी सेव करता है, इसमें हमारे टाइम की भी बचत होती है शॉर्टकट का यूज करके। टास्क बार, इट हेल्प्स टू मैनेज द वेरियस करेंटली एक्टिव प्रोग्राम्स। टास्क बार जो होता है वो वेरियस यानी डिफरेंट टाइप्स के एक्टिव प्रोग्राम्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। वी कैन स्विच बिटवीन दिस प्रोग्राम बाई क्लिकिंग देयर बटन्स ऑन द टास्क बार, हम लोग इन बटन इस बटन पे क्लिक करके किसी भी प्रोग्राम को स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टार्ट बटन, इट इज नोन एज द लॉन्च पैड टू विंडोज। स्टार्ट बटन को हम लोग लॉन्च पैड विंडोज के नाम से भी जानते हैं। वी कैन वर्क विथ एनी ऑफ द विंडोज एप्लीकेशन और परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सेटिंग बाई यूजिंग इट्स डिफरेंट ऑप्शन। हम लोग को वर्क करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए, विंडोज एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए इसमें डिफरेंट प्रकार के ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शन होते हैं जिनमें हमको सेटिंग करनी होती है। सम ऑप्शंस इन द मेन्यू आर रिप्रेजेंटेड विथ पॉइंटिंग एरो, कुछ ऑप्शंस जो होते हैं इन मेन्यू में पॉइंटिंग एरो के थ्रू दिखाई देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पॉइंटिंग एरो आपको दिखाई दे रहा है, विच मीन्स दीज ऑप्शंस हैव अ सब मेन्यू, तो इसका मीन्स होता है कि ये जो ऑप्शंस है ये सब मेन्यू में, सब मेन्यू इज अनदर सेट ऑफ ऑप्शन, सब मेन्यू जो होता है वो ऑप्शन के अनदर सेट होता है। विच ओपेंस इटसेल्फ व्हेन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इन द स्टार्ट मेन्यू इज पॉइंटेड, और यह खुद ओपन हो जाता है जब किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को स्टार्ट मेन्यू में पॉइंट करना होता है। नेक्स्ट है सम ऑफ द स्टार्ट मेन्यू ऑप्शंस आर, स्टार्ट मेन्यू में पाए जाने वाले कुछ ऑप्शंस है जो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट्स, सेटिंग्स, सर्च, हेल्प एंड सपोर्ट, टर्न ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट है प्रोग्राम, जब हम लोग स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हम लोग के स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपको दिखाई देता है प्रोग्राम दिखाई देता है, डॉक्यूमेंट, सेटिंग, सर्च, हेल्प एंड सपोर्ट, टर्न ऑफ कंप्यूटर दिखाई देता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यहाँ आपका स्टार्ट बटन है, जैसे ही हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको टर्न ऑफ कंप्यूटर, लॉग ऑफ, रन, हेल्प एंड सपोर्ट, सर्च, सेटिंग, डॉक्यूमेंट, प्रोग्राम्स, ये सारे ऑप्शंस दिखाई देने लगते हैं। तो फर्स्ट है प्रोग्राम, व्हेन दिस ऑप्शन इज पॉइंट इन द स्टार्ट मेन्यू, जब हम लोग स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम ऑप्शन पे क्या करते हैं क्लिक करते हैं, अ लिस्ट ऑफ वेरियस प्रोग्राम इज डिस्प्लेड इन अ सब मेन्यू, तो जब हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो सब मेन्यू में बहुत सारे जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम्स यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। दिज प्रोग्राम्स कैन बी ओपेंड बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग विद द माउस, और इन प्रोग्राम को हम माउस से पॉइंट करके या क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जिस भी प्रोग्राम को हम ओपन करना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए फिगर में डॉक्यूमेंट यहाँ पे है आपका, इट डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट जो होता है ये रिसेंटली यूज डॉक्यूमेंट की लिस्ट को डिस्प्लेज करता है। सेटिंग यहाँ पे देखिए आपका सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग ऑप्शन इन द सेटिंग सब मेन्यू हेल्प टू एडजस्ट द वेरियस विंडोज सेटिंग, सेटिंग का जो ऑप्शन होता है इसमें
विंडोज के अलग अलग सेटिंग्स को सेट करने में ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, एडजस्ट कर सेटिंग को एडजस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सर्च, यहाँ पे देखिए ये आपका सर्च का ऑप्शन है। दिस ऑप्शन हेल्प टू फाइंड योर डॉक्यूमेंट इन द कंप्यूटर। सर्च का जो ऑप्शन है ये कंप्यूटर पे किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइंड करने में, खोजने में क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प एंड सपोर्ट। इफ यू वांट टू गेट हेल्प रिलेटेड विथ एनी ऑफ द विंडोज ऑप्शन, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होता है तो ये जो हेल्प और सपोर्ट का ऑप्शन होता है इसके थ्रू आपको हेल्प मिलती है। विंडोज ऑप्शन, यू कैन क्लिक दिस ऑप्शन, तो आपको कोई भी अगर सपोर्ट या हेल्प चाहिए होता है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन पे। लास्ट है टर्न ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आपका टर्न ऑफ कंप्यूटर का ऑप्शन है। दिस ऑप्शन सेफली क्लोज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस ऑप्शन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इस ऑप्शन का यूज करके हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सेफली क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। तो हमें कभी भी जो कंप्यूटर है, तो जब हम लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो कभी भी हम लोग को डायरेक्ट कंप्यूटर को स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए, पहले हमें क्या करना चाहिए, टर्न ऑफ कंप्यूटर पे क्या करना चाहिए, क्लिक करना चाहिए। फिर उसके बाद से शट डाउन का ऑप्शन आएगा, तो शट डाउन करना चाहिए कंप्यूटर को। आज का आपका होमवर्क है, आज आप चैप्टर 5 को रीड करेंगे और इसको समझेंगे, जहाँ तक मैंने आपको आज रीड करवाया, एक्सप्लेन किया, उसको अच्छे से समझिएगा। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।